নমস্কার, আপনারা দেখছেন রাইজিস্ট নিউজ, আমি সঙ্গে রয়েছি সুয়েদা। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমাদের প্রথম যে কাজ তা হল এক নজর সংবাদপত্রের দিকে চোখ রাখা, কারণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একেবারে নিজের জায়গা থেকে বিভিন্ন জায়গা দেশ বিদেশের খবরাখবর নিতে পারি। আর এই খবরটার কেন প্রয়োজন, কারণ খবর যদি আমরা না জানি তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কিন্তু এগিয়ে যেতে পারব না। তার জন্য আমাদের খবরটা কিন্তু প্রয়োজনীয়। কিন্তু শুধুমাত্র কি সংবাদপত্রেই খবর পড়া, তা কিন্তু নয়। বহু যুগ পেরিয়ে সেই সংবাদপত্র হতে রেডিও, রেডিওর পর টিভি, বর্তমানে একেবারে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে এই সংবাদ, সৌজন্য সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিন্তু আমরা খবর, বিভিন্ন ধরনের খবর, বিভিন্ন জায়গার খবর মুহূর্তের মধ্যেই হাতের মুঠোয় পেয়ে যায়। এই সংবাদগুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া হাউস থেকে পাই, সংবাদ পরিবেশনও করা হয় বিভিন্ন আঙ্গিকে, এক একজন এক এক রকমভাবে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে কিন্তু এই খবরগুলো পরিবেশন করে। কিন্তু খবর পরিবেশন করা বা খবর তৈরি করা, এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেকের মধ্যে অজানা। কেউ কেউ হয়তো শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই এই কাজ করছেন, কেউ হয়তো একেবারে উৎসাহবশতই কাজ করছেন। কিন্তু এই যে সংবাদ পরিবেশন করা, সংবাদ লেখা, সেই ধারণাটা যে মূল বিষয়টা, সেটা কিন্তু অনেকেরই হয়তো বা অজানা। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের খবর খুব সহজেই আমাদের হাতের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, কিন্তু সেই খবরের সত্যতা ঠিক কোন জায়গায় বা কতটুকু সেই ঘটনাটা সত্য, সেদিকে কিন্তু আমাদের নজর থাকছে না। এই প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমাদের জানাটা প্রয়োজন। আজকে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলবো। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন খুশাভাউ ঠাকরে ইউনিভার্সিটি অব জার্নালিজম এবং মাস কমিউনিকেশনের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর বলদেব ভাই শর্মা। নমস্কার, স্বাগত হ্যায় আপকা রাইজেস নিউজ মে। পহলা জো বিষয় মে আপসে জাননা চাহুঙ্গি, খবরে হম রোজ দেখতে হ্যায়, অভি তো ফিলহাল হমারে হম ফোন মে হি খবর দেখতে হ্যায়, লেকিন হম দেখতে হ্যায় কি আসল জো ঘটনায় হ্যায় ও কহি পে দব জাতা হ্যায়, তো আপ ক্যা কহেঙ্গে, কিউ ইয়ে সব হোতা হ্যায়? देखिए, इस बदलते दौर में खबरों का एक सैलाब हम चारों तरफ देखते हैं जी, और मीडिया तकनीक जैसे जैसे ज्यादा समर्थ हुई है तो छोटी छोटी खबरों को भी मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जाता है जी। और पहले दूर दराज में कहीं बहुत सारी चीजें घटित हो जाती थी लेकिन संपर्क नहीं होता था, मीडिया कम्युनिकेशन उस तरह नहीं था, तो फिर चार पांच छह दिन बाद, हफ्ते भर बाद वो खबरें सामने आती थीं। अब ऐसा नहीं है, मीडिया टेक्नोलॉजी ने चीजों को इतना आसान कर दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी घटित हुआ है वो तुरंत विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से छोटे छोटे स्तर पर लोगों तक पहुंच जाता है। और इतनी सारी खबरें हैं, फिर उन खबरों के सैलाब में ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर छोड़ी जाए और कौन सी खबर रखी जाए जी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग ठीक से चयन नहीं कर पाते खबरों का, और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए यह तय नहीं कर पाते। दूसरा, जब मीडिया का इतना सारा विस्तार हुआ है तो वेल स्किल्ड लोग भी कम हुए हैं, उसके विस्तार के अनुरूप वेल स्किल्ड लोग मीडिया में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और फिर जिसके भी हाथ में मोबाइल आ गया वो पत्रकार बन गया। अब तो कई समाचार पत्रों ने नागरिक पत्रकारिता शुरू करा दी है कि जो आम व्यक्ति है वो भी अपने मोबाइल के माध्यम से कोई वीडियो क्लिप तैयार करके भेज सकता है, वो पत्रकार बन गया, लेकिन उसका स्किल डेवलप नहीं हुआ।
पत्रकारिता में ये बहुत आवश्यक है कि जो भी लोग जुड़े, चाहे किसी अखबार से रेगुलर बेस पर जुड़े, चाहे किसी चैनल से जुड़े, चाहे वो अपने घर में बैठकर पत्रकारिता करें, पर उनमें स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है ताकि वो खबरों की प्रायोरिटी तय कर सकें, खबरों की भाषा, कंटेंट का स्तर क्या हो, उसकी गुणवत्ता क्या हो, उसकी क्वालिटी क्या हो, समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा, उससे कितना नुकसान लोगों का हो जाएगा। हम तो एक लाइन की खबर बोलकर या चार लाइन का डिटेल देकर अपने घर बैठ गए, लेकिन उसने कैसा तूफान सोसाइटी में मचा दिया, इसका हमको अंदाज ही नहीं रहता। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर ये चीजें जरूरी होते हुए भी पूरी नहीं होंगी तो फिर खबरों की वही स्थिति होगी जो आप कह रही हैं कि जरूरी खबरें छूट जाती हैं और जो बेमतलब की बातें होती हैं वो खबर बन जाती हैं। जी, इसलिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। पत्रकार बनना है, पत्रकारिता में आना है, मीडिया पर्सन बनना है, तो भले ही आप अब आज के दौर में देखिए सबसे ज्यादा असरदार सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर जितने प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया की भी कैटेगरी इतनी ज्यादा हो गई है व्हाट्सएप से लेकर और इंटरनेट तक कि हर आदमी के लिए स्कोप है उसमें। लेकिन केवल स्कोप होने से काम नहीं चलता, आपकी समझ, एक जर्नलिस्ट की भूमिका, उसकी जिम्मेदारी, सामाजिक सरोकार अगर जर्नलिस्ट के पास नहीं होगा या घर में बैठा हुआ जो व्यक्ति सोशल मीडिया को एक जर्नलिज्म औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो सही न्याय नहीं कर पाएगा। जी, और एक विषय में जो जानना चाहूंगी, आपने जो कहा कि बहुत सारे न्यूजेस होते हैं वो पकड़ होना चाहिए कि आप कौन सा न्यूज कैसे लिख रहे हैं, तो इसका असर सोसाइटी में क्या होता है? हम कभी कभी देखते हैं कि किसी चीज को कोई एक घटना हुआ है लेकिन उसको थोड़ा अलग से दिखा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में कैसा होता है, क्या कहेंगे? देखिए, जो न्यूज है, जो खबर है या जो पत्रकारिता है, मीडिया है, इसके दो किनारे हैं, एक सत्य, एक तथ्य। इन दो किनारों के बीच में ही उसको काम करना पड़ता है। चाहे कोई भी न्यूज हो, न उसकी सत्यता को आप छोड़ सकते हैं, एक्चुअली वो क्या है आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते, आप गलत सूचनाएं नहीं दे सकते। दूसरी चीज, सत्य के साथ साथ तथ्य क्या है। कई बार सत्य इतना व्यापक होता है कि उसको परिभाषित करना मुश्किल है, तो फिर जो तथ्य है, फैक्ट है, वो सपोर्ट देता है सत्य को जानने में। फैक्चुअल पोजीशन क्या है उसको जब हम समझ जाते हैं तो सच्चाई अपने आप हमारे सामने आ जाती है। और इसलिए सत्य और तथ्य का ध्यान रखे बिना हम खबरों की भीड़ में खो जाएंगे तो हम जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते। जी, और पत्रकारिता का जो पहला सरोकार है, भारतीय भाषाई पत्रकारिता का, इसको समझना बहुत जरूरी है। भारत में भाषाई पत्रकारिता केवल सूचनात्मक नहीं है, इन्फॉर्मेटिव नहीं है, या सूचना का या जानकारी का स्रोत नहीं है कि वहां ऐसा हो रहा है, यहां ऐसा हो रहा है, बस यही पत्रकारिता है। भारत की पत्रकारिता का पहला उद्देश्य है देश और देशवासियों के हित के लिए काम करना। जी, लोक कल्याण और जन जागरण, ये भारत की पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। भारत में जब पहला भाषाई समाचार पत्र हिंदी में 1930 में प्रकाशित हुआ, 1830 में प्रकाशित हुआ उदंत मार्तंड, तो उस उदंत मार्तंड के पहले संपादकीय में पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो संपादक थे, कोलकाता से प्रकाशित हुआ, उन्होंने लिखा यह उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित हेत। यानी अखबार किसके लिए है? जी, केवल न्यूज कलेक्शन के लिए नहीं है, केवल खबरें देना, इन्फॉर्मेशन देना इसके लिए नहीं है, हिंदुस्तानियों के हित हेत,
जो हमारा भारतीय जन है उसके हितों की रक्षा के लिए भारत की पत्रकारिता खड़ी होती है जी। और इसीलिए अखबार को आम आदमी की आवाज कहा गया, इसीलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया। अब संविधान ने तो कोई चौथा स्तंभ नहीं बनाया है, संविधान ने तो लोकतंत्र के तीन स्तंभ बनाए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो चौथा स्तंभ कहां से आ गया? ये संविधान में तो है नहीं, फिर भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। ये जनता का जो मीडिया में विश्वास था, उसकी ईमानदारी के प्रति, उसकी सच्चाई के प्रति, उसकी तथ्यात्मकता के प्रति, तो जनता ने ये उपाधि मीडिया को दी कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और ये चौथा स्तंभ बाकी जो तीन स्तंभ हैं उनकी चौकीदारी करेगा। वो अगर भारतीय जन के हितों के विरुद्ध कुछ भी करेंगे तो ये चौथा स्तंभ खड़ा हो जाएगा कि मैं आपको देश और देशवासियों के विरुद्ध कुछ नहीं करने दूंगा। इतनी इम्पोर्टेंस भारतीय मीडिया की है। ये केवल खबरों के लिए नहीं है, खबरें उसका एक हिस्सा है, इन्फॉर्मेशन उसका एक हिस्सा है, लेकिन भारत और भारतीय जन के साथ खड़ा होना, लोक कल्याण और जन जागरण, ये भारतीय पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। इसको इतने व्यापक स्तर पर हमको पत्रकारिता के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। यूरोपीय पैटर्न पर भारतीय पत्रकारिता को जो ढाल दिया गया, सनसनीखेज और ऐसी ऐसी खबरें ढूंढ के लाना जिसमें लोगों की छीछा लीडर हो, तथ्यों की पड़ताल किए बिना कुछ भी किसी के बारे में आप बोल सकते हैं, कोई भी एक न्यूज पैकेज तैयार कर सकते हैं, बाद में वो आदमी कोर्ट कचहरी करता रहे, लेकिन आपने तो फ्लोट कर दिया ना जी, उसकी भरपाई कौन करेगा? कई बार हमने देखा है कि बहुत कुछ किसी के व्यक्ति के खिलाफ छाप दिया और उसने कहा कि नहीं ये सब गलत है, तो अखबार वाले ने कहा कि आप अपना स्पष्टीकरण दे दो, उसने दे दिया, तो उसकी चार लाइनें काट पीट कर कहीं अंदर किसी पेज पर छाप दी, लेकिन आप पहले पेज पर छापकर जो उसका अपमान और उसकी अवमानना कर चुके हो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो सत्य और तथ्य के बीच में भारत की पत्रकारिता लोक हित के लिए, जन जागरण के लिए जब तक काम नहीं करेगी तब तक हम खबरों की पवित्रता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे जी। हम अगर देखें एक अच्छा पत्रकार जो लोग होते हैं उन लोगों में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकारिता को नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। नोबल प्रोफेशन का उद्देश्य है कि केवल नौकरी के लिए, केवल फायदे के लिए, केवल हम पत्रकारिता करते हुए सेलिब्रिटी बन जाएं, हमारी पूछ परख इम्पोर्टेंस बन जाए, दरोगा जी भी हमसे डरे, कलेक्टर भी हमसे डरे, ये नोबल प्रोफेशन नहीं है। नोबल प्रोफेशन वो है जो आप दूसरों के हित के लिए काम करते हैं जी। वो नोबल कहा जाता है, वो कल्याणकारी कहा जाता है। तो पत्रकारिता तो पहला पाठ आपको यह सिखाती है कि आप फायदे के लिए नहीं, आप अपने आप को एक बड़े आदमी के रूप में स्थापित करने के लिए नहीं, आप आम आदमी के पहरेदार हैं। पत्रकारिता ये सिखाती है, और इसलिए पत्रकार को ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि आज ये मानसिकता निरंतर घट रही है, कम हो रही है। पत्रकारिता में लोग रुतबे के लिए आते हैं, वो देखते हैं कि अमुक आदमी का ऐसा रुतबा है, मेरा भी बने जी। पत्रकारिता के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, ये बुद्धि का खेल नहीं है, शब्दों का जाल नहीं है, लिख दिया कुछ भी, बोल दिया कुछ भी, एक नैतिक उपक्रम है पत्रकारिता, एक मॉरलिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सामाजिक जिम्मेदारी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारत में आप याद करिए, हम सब जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता का जब प्रारंभ हुआ, समाचार पत्र शुरू हुए, तो देश की आजादी के लिए जो हमारे एक से एक बड़े नायक
महात्मा गांधी से लेकर मदनमोहन मालवीय तक जो लड़ रहे थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, कितने नाम हैं, बंकिमचंद चटर्जी, इन सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ उस स्वाधीनता के आंदोलन में आम जन की भागीदारी करने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग किया। वो समाचार पत्र के महत्व को समझते थे, लोक जागरण के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए समाचार पत्र सबसे बड़ी ताकत है जी। और इसलिए उन्होंने अखबार निकाली। उस समय अकबर इलाहाबादी बड़े शायर थे और अंग्रेजी शासन में अफसर भी थे, वो शायरी भी करते थे जी। उन्होंने लिखा, हो तो मुकाबिल तो अखबार निकालो। अखबार की ताकत आप देखिए कि तोप से भी ज्यादा ताकत अखबार की है। तो भारत में समाचार पत्र बिजनेस के लिए शुरू नहीं हुए, निगेटिव खबरों के लिए कि इसकी छीछा लेदर करनी है, उसकी छीछा लेदर करनी है, सनसनीखेज खबरें निकालकर अखबार की बिक्री बढ़ानी है, इसके लिए शुरू नहीं हुए। अखबार ब्रिटिश साम्राज्य की तोपों के खिलाफ भारतीय जन की ताकत को जगाकर खड़ा करना है, इसके लिए भारत में पत्रकारिता शुरू हुई। इन उद्देश्यों को भूल जाएंगे तो फिर जो पत्रकार है वो फिर ईमानदारी नहीं बरत सकता। आज जो फेक न्यूज, पेड न्यूज, राडिया टेप कान जैसे कलंक पत्रकारिता पर यदा कदा लगते हैं और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी तकलीफ होती है जी, वो इसलिए लगते हैं कि हम उन उद्देश्यों को भूल जाते हैं जो पत्रकारिता में पत्रकारों के सामने रहे हैं। आज भी बहुत सारे वर्षों मुझे अनेक समाचार पत्रों में काम करते हुए हो गए, तो मैं कितने ही पत्रकारों को जानता हूं। आज भी बहुत सारे नौजवान पत्रकार हैं जो बड़े कमिटमेंट के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 50 तकलीफें उठाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर और जनहित की पत्रकारिता करते हैं जी। उनको नौकरियों से भी निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी अभी यहां नौकरी वहां नौकरी, परिवार परेशान रहता है, लेकिन अपना कमिटमेंट, जर्नलिस्टिक कमिटमेंट वो नहीं छोड़ते। तो ये जो जर्नलिस्टिक कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति, नेशन के प्रति, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप असल में पत्रकार कहलाएंगे जी। पत्रकार होना कोई उपाधि नहीं है, पत्रकार होना एक प्रवृत्ति है, एक मेंटालिटी है। वो प्रवृत्ति, वो मेंटालिटी अगर आप डेवलप नहीं कर पाए हैं तो आप लिखते रहिए, आप पत्रकार नहीं कहला सकते, न समाज में आपको वो सम्मान मिलेगा जी। हम ये देखते हैं अभी न्यूज़पेपर के बाद जो टीवी चैनल आया, उसके बाद अभी तो एकदम से शॉर्टकट हो गया है, हम फोन पे देख लेते हैं, फेसबुक में या फिर यूट्यूब में, ट्विटर में भी बहुत सारे खबरें आ जाते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया आने के बाद जो असल न्यूज़ था या फिर न्यूज़पेपर था, उन पे कितना प्रभाव आया है या फिर समाज में कितना प्रभाव आया है? बहुत प्रभाव आया है। मैंने वो वक्त भी देखा है जब अखबार में किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संस्थान के प्रति, किसी नेता के प्रति दो लाइनें भी छप जाती थी तो वो परेशान हो जाता था कि मेरे विरुद्ध ऐसा छप गया, अब समाज में चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी जी। इतना असर था अखबार का। और मुझे याद है मैं हरियाणा में एक बड़े समाचार पत्र का संपादक था, तो ऐसे ही गांव कस्बों में भी जाता था ताकि लोगों के मन को समझा जा सके कि हम कैसी खबरें दें, अखबार कैसा और रूपांतरण उसका बेहतर अखबार के रूप में हो। बहुत सारे लोगों से मैं गांव कस्बों में जाके भी मिलता था। तो एक बार एक गांव में मैं गया, वहां कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे चौपाल टाइप, और उनके साथ मैं ऐसे ही बातचीत करने लगा। वहां एक लड़का आया, उसने वहां बैठे हुए बुजुर्गों से कहा कि ताऊ हरियाणा में सरकार ने किसानों के लिए, और अब मुझे याद नहीं है, कोई स्कीम निकाली थी। तो कई लोगों ने, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, पर उसमें एक बुजुर्ग बोले कि अरे तू जो ये खबर बता रहा है ये अखबार में तो आई नहीं है, अखबार में आएगी तब हम मानेंगे
कि हाँ सरकार ने ऐसा कर दिया है, तू पता नहीं कहां से खबर उड़ा के ले आया। अखबार में आनी चाहिए। अखबार की इतनी विश्वसनीयता एक जमाने में थी जी। क्यों? क्योंकि अखबारों में जो लोग काम करते थे उनकी नीयत, उनकी ईमानदारी पर लोगों का भरोसा था। आज एक परसेप्शन ये बन गया है, इसका मूल्यांकन पत्रकारों को और अखबारों के और मीडिया संस्थानों के मालिकों को करना पड़ेगा, ये कितना सही है कितना गलत है। आज ये परसेप्शन बन गया है अखबार वाले तो कुछ भी छापते हैं, जो नहीं है वो भी छाप देते हैं। ये परसेप्शन बनना बहुत खतरनाक है। और इसलिए अखबार में आप देखते हैं कई बार कुछ खास भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पेज के पेज छपते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। पिछले दो महीने से मैं देख रहा हूं, आप सब भी देख रहे होंगे, खबरें लगातार आ रही हैं। उस राज्य में वो आईपीएस अधिकारी पकड़ा गया, 200 करोड़ की नकदी है, टीवी में नोट के नोट दिखाई जा रहे हैं। अमुक आईएएस पकड़ा गया उस राज्य में, उसके पास 50 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है। आए दिन पिछले दो महीने से एक के बाद दूसरा आईएएस, एक के बाद दूसरा आईपीएस, कितनी खबरें आ रही हैं। लेकिन कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पत्रकारों की, पत्रकारिता की, मीडिया की जो विश्वसनीयता है, कह रहे अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते हैं, ये विश्वास दरकना बहुत खतरनाक है, बड़ा दुखद है। देश को, समाज को और उसके हितों को संरक्षित करना है तो भारत की पत्रकारिता को ईमानदार और भरोसेमंद होना पड़ेगा। देश में ये जो बदलाव का दौर चल रहा है, विशेषकर आज आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, देश को आगे ले जाकर हमें पूरे विश्व का नेतृत्व करना है। भारत की अहमियत पूरी दुनिया में किस कदर बढ़ रही है, अर्नाल्ड टाइनवी जैसे लोग ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री किताब में लिखते हैं कि दुनिया को आज विनाश से बचाना है तो भारत का विचार ही एकमात्र उपाय है। भारत के प्रति जब इतनी उम्मीदें बढ़ रही हों तो भारत के मीडिया को ईमानदार होना पड़ेगा अपने काम और विचारों के प्रति जी। और ये तर्क नहीं चल सकता कि मीडिया हाउस करोड़ों रुपए लगा रहा है तो वो नुकसान उठाकर थोड़ी चलाएगा। मीडिया हाउस जो चला रहे हैं उनको मुनाफा कमाना है, दूसरे बहुत सारे प्रोफेशन हैं, फिर इस नोबल प्रोफेशन को खराब क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि नोबल प्रोफेशन है, एक तरफ मुनाफा कमाना है, नुकसान नहीं सह सकते। नुकसान सहकर देश के हित में पत्रकारिता करने की अगर आप में हिम्मत है तो अखबार निकालिए, तो मीडिया हाउस चलाइए। जैसे कबीर ने कहा, जो घर फूके आपनों चले हमारे साथ। कबीर पत्रकारों के पूर्वज हैं जी। कबीर कहते थे, सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। सारा संसार मौज में पड़ा हुआ है, खा लिया सो गया, लेकिन कबीर रात रात भर जगता है इस दुख में कि कुछ संपन्न लोग तो मौज कर रहे हैं, बाकी जो करोड़ों की संख्या में असहाय लोग हैं उनके दुख को कौन दूर करेगा। कबीर चिंता में मरा जा रहा है, उसको नींद नहीं आती, वो खाना नहीं खा पाता। पत्रकार कबीर का वंशज है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति असहाय है, जिसकी आंखों से आंसू निकलता है दर्द के कारण, जिंदगी के दुख को झेलते हुए उसकी आंख का आंसू पहुंचना, ये पत्रकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब नेता, जब अफसर, जब बिजनेसमैन या पूरा व्यवस्था का सेटअप, उससे वो आदमी निराश हो जाता है, तब क्या कहता है, अब मैं मीडिया के पास जाऊंगा जी। ये आम आदमी की भाषा है, अब मैं मीडिया के पास जाऊंगा और देख लूंगा इनको। मीडिया की ताकत का भरोसा उसको है, उस भरोसे को अगर बचाना है तो हमें ये कहना छोड़ना पड़ेगा कि बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाए हैं तो घाटे में अखबार या घाटे में मीडिया थोड़ी चलाएंगे जी। जरूर, अगर बिजनेस करना है, मुनाफा कमाना है, तो आप दूसरे बहुत सारे कारोबार हैं, पर जनता के इस भरोसे को मत तोड़िए। फिर आप उतनी हिम्मत रखिए,
कि होगी सो देखी जाएगी, पैसा बर्बाद होगा होगा, लेकिन हम जनता के विश्वास के लिए मीडिया को, अखबार को ताकतवर बनाएंगे, ईमानदार बनाएंगे। जी, हम अभी जो देखते हैं, आपने जो कहा कि मीडिया हाउसेस को, उन लोगों को मुनाफा कमाना है, इस वजह से बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी चलाते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि ये बदलाव की दुनिया है, कमर्शियलाइजेशन भी जरूरी है, तो ये कमर्शियलाइजेशन कितना जरूरी है एक मीडिया के लिए, या फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी में, क्या कहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, तकनीक जैसे जैसे पिछले दो दशकों में बदली है, पहले तो अखबार ही निकलते थे, वही पत्रकारिता थी, बाद में 24 घंटे के न्यूज चैनल आ गए, फिर मल्टीमीडिया हो गया, फिर सोशल मीडिया हो गया, अब तो मीडिया का इतना विराट रूप बन गया है कि अब समझ में नहीं आता कि मीडिया के बाहर क्या है, सब कुछ मीडिया में समा गया। और इसलिए जब तकनीक बदलती है, विस्तार होता है, तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और कॉरपोरेट हाउसेज, बीच में तो एक जमाना आ गया था कि बड़े बड़े प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले लोगों ने अखबार निकालने शुरू कर दिए, और साल दो साल वो खूब बढ़िया ग्लैमरस तरीके से अखबार चले, बाद में सब बैठ गए। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्टिक विजन नहीं था उनके पास, उनको अपने बिजनेस को बचाने के लिए एक कवच चाहिए था जिससे वो प्रशासन को डरा सकें, जिससे वो सरकारों को डरा सकें। ईमानदारी नहीं थी, पत्रकारिता की ईमानदारी नहीं थी, केवल पैसे की ताकत थी। अखबार बैठ गए, खत्म हो गए, आज उन अखबारों का नाम भी कोई नहीं जानता है। तो पैसा जरूरी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर पत्रकारिता को हम नोबल प्रोफेशन मानते हैं, तो फिर उसकी सीमा हमको तय करनी पड़ेगी। दूसरे बिजनेस की तरह अनाप शनाप पैसे की कमाई के लिए, मुनाफे के लिए, हम इसकी पवित्रता को खत्म करें। फिर हमें यह कहना छोड़ना पड़ेगा कि हम मीडिया हाउस हैं, जनता के हितों की पैरोकारी करते हैं। आप कोई जनता के हितों की पैरोकारी नहीं कर रहे, आप दो के चार बनाने के लिए जैसे दूसरे बिजनेस में है, ऐसे ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जनता का विश्वास कहां से बचेगा आपके पास? और राडिया टेप कांड का किस्सा आपको पता होगा, कितना मन के विश्वास को तोड़ने वाला घटनाक्रम है कि एक से एक स्वनाम धन्य संपादक, बड़े बड़े अखबारों के, सब उनके नाम जानते हैं, लेने की जरूरत नहीं है, वो फोन पर बातें कर रहे हैं, वो राडिया टेप कांड में सब रिकॉर्ड हो गए उसके पास, और उसने उनको प्रस्तुत किया, और फोन पर बातें कर रहे हैं एक से एक, जिनके नाम से लोग थर्राते थे, इतने बड़े बड़े पत्रकार संपादक, कि उस समय जो केंद्र में सरकार थी, किसको मंत्री बनाया जाए, किसको क्या पोर्टफोलियो दिया जाए, ये पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार का काम है सरकार पर, मंत्रियों पर, जनप्रतिनिधियों पर निगाह रखना कि वो भारत के संविधान के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो संकल्प व्यक्त किया हमारे संविधान निर्माताओं ने, भारत का शासन, भारत की व्यवस्था, भारत की सरकार, भारत के जनप्रतिनिधि, आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए वो लोक कल्याणकार राज्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं, ये पत्रकार का काम है। पत्रकार का काम ये नहीं है कि अमुक को मंत्री बनाओ और अमुक को ये वाला मंत्रालय दे दो। अखबार ने, पत्रकार ने आपको ताकत दी है एक पत्रकार के रूप में, आपकी निजी ताकत नहीं है ये, आप गलतफहमी में हैं कि मैं बड़ा महान पत्रकार बन गया तो मेरी ताकत है। जनता ने वो ताकत आपको दी, अखबार ने, मीडिया ने वो ताकत दी आपको, आप उस ताकत का दुरुपयोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, एक पूरा गैंग बना रहे हैं आप पैसा कमाने के लिए, मैन्युपुलेशन के लिए, तो फिर पत्रकारिता कहां है? फिर इसमें बिजनेस पर्पज को कितना ध्यान में रखा जाए, उसकी सीमा ही नहीं है। आप बिलो द बेल्ट कुछ भी कर रहे हैं और बातें करते हैं कि हम तो पत्रकार हैं और देश के हितों के लिए, जनता की आवाज हम बने हुए हैं और नोबल प्रोफेशन में हम हैं और कर्म आपके हैं, उसके एकदम विपरीत।
तो पत्रकारिता का जो चरित्र है वो भ्रष्ट हो जाएगा। आज भी चाहे कितना ही पत्रकारिता को लेकर नकारात्मक बातें कही जाएं, पर भारतीय जन का भरोसा मीडिया पर है। तो मीडिया की जो ताकत है उसका इस्तेमाल हम जितनी जरूरत है उस हिसाब से पैसे का घालमेल कमाई या पैसा लगाना, हम जानते हैं कि आज बिना पैसे के आप मीडिया हाउस खड़ा नहीं कर सकते, उसकी सीमा तय करिए ना आप, कि हम दूसरे प्रोफेशन की तरह इसमें से अनाप शनाप मुनाफाखोरी नहीं करेंगे और उस संयम और उस संस्कार को छोड़ देंगे जो पत्रकारिता के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए इस देश में ऐसे ऐसे पत्रकार हुए जो भारत के स्वाधीनता संग्राम के नायक भी थे कि अखबार निकालने के लिए उन्होंने घर परिवार बेच दिया, पत्नी के गहने बेच दिए। मालवीय जी ने जब समाचार पत्र शुरू किया तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारे चार बेटे हैं, अब एक पांचवां बेटा ये और आ गया है, इसका भी पालन पोषण तुमको करना है। इस भावना से भारत में पत्रकारिता शुरू हुई, इसीलिए तो उसको नोबल प्रोफेशन कहते हैं जी। और आज इस दौर में आप कह सकते हैं बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता, लेकिन बिना पैसे के अगर कुछ नहीं होता है तो पैसा जितनी चीजों को बिगाड़ रहा है वो एक दिन आपको भी ले डूबेगा, और ले डूब रहा है जी। हम देख रहे हैं कि भारत में भी पनाह नहीं मिल रही उन लोगों को जिन्होंने पागलपन की हद तक पैसा कमाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ दी, कोई नियम कायदा कोई ईमान धर्म नहीं रखा, बस पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी। इस मानसिकता से आप मीडिया हाउस में समाचार पत्र में पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वहां सीमाएं तय करनी पड़ेंगी। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक नोबल प्रोफेशन में हैं, हम जनता के भरोसे के विरुद्ध नहीं जा सकते। आप दान दक्षिणा के लिए मत मीडिया हाउस चलाइए, आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको पैसा कमाना भी पड़ेगा। आप कहां से लाएंगे लगाने के लिए पैसा, लेकिन कमाने की सीमा तय करिए। दूसरे बिजनेस की तरह अनाप शनाप मुनाफाखोरी आप मीडिया हाउस से अखबार से करेंगे तो फिर अखबार अखबार नहीं रहेगा, मीडिया मीडिया नहीं रहेगा, वो केवल बिजनेस बन जाएगा जी। अभी बहुत सारे नए युवा भी हैं जो लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, तो मैं आपसे जो ये जो एक हम शो के अंत तक आप पहुंचे तो ये विषय मैं जानना चाहूंगी। आपके बहुत सारे अभिज्ञताएं भी है, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को या फिर नए जर्नलिस्ट को भी देखा है, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए आज बहुत जरूरत है इस बात की कि पढ़े लिखे नौजवान और इस प्रोफेशन में अच्छे नौजवान आए, कमिटमेंट वाले जी। भारत में पत्रकारिता की मीडिया एजुकेशन की शुरुआत हुए 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसका उद्देश्य ये है कि हम अपने नौजवानों को अच्छे मीडिया कर्मी के रूप में सुशिक्षित करके और अखबारों में मीडिया के जो दूसरे उपक्रम हैं उनमें हम लगाएं और मीडिया का एक साफ सुथरा सोशल कमिटमेंट वाला चेहरा प्रस्तुत हो। और देखिए आज का नौजवान बहुत इनोवेटिव है, आज का नौजवान बहुत प्रतिभाशाली है, क्षमतावान है, लेकिन उसकी मानसिकता को सही दिशा दिया जाना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत कमजोर पक्ष भारत के मीडिया एजुकेशन का है, मैं अनुभव करता हूं और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि माखनलाल विश्वविद्यालय और हमारा कोशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय और दूसरे कुछ और भी संस्थान लगातार इस प्रयास में है कि वो कमी पूरी हो। और वो कमी है भारत की पत्रकारिता का इतिहास मीडिया एजुकेशन में से लगभग नदारद है। भारत की पत्रकारिता में जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए, कौन से उद्देश्य रहे, उनका सोशल कमिटमेंट क्या रहा, आज की नई परिस्थितियों में हम उसका समाधान कैसे कर सकते हैं अपना विवेक खोए बिना, ये हमारे नौजवानों को सीखना पड़ेगा। और अभी एक बड़ी मुझे बहुत पीड़ा के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पत्रकार बनना ये अंतिम प्रायोरिटी है,
नौजवान की। पत्रकारिता हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी, क्योंकि आप देखिए देश में आप कुछ भी कर लो, मीडिया पत्रकारिता अगर सशक्त नहीं है तो उसका लोक कल्याणकारी होना इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी, चेक एंड बैलेंस जो एक शब्द चलता है, ये मीडिया और पत्रकारिता, उसके लिए नौजवान चाहिए, सुशिक्षित, समर्पित, कमिटेड, सामाजिक सरोकारों को समझने वाले। ये जो चकाचौंध भरी दुनिया है जिसमें हम अपने कंफर्ट के लिए जीना सीख रहे हैं, तो कुछ सिरफिरे लोगों को आगे आना पड़ेगा, अच्छी ईमानदार और जनहितकारी पत्रकारिता करने के लिए, बिना ये सोचे कि इसमें हमारा नफा नुकसान क्या है। तो बहुत सारे नौजवानों को पत्रकारिता से जोड़ते जोड़ते कुछ इस प्रकार के नौजवान मिल जाते हैं, आज भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। तो नौजवानों को पत्रकारिता के ग्लैमर से बंधकर पत्रकार बनने की बजाय पत्रकारिता का जो सामाजिक सरोकार है, जो जो आपकी लाइफ को एक मिशन देता है, अटल जी कहा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वो स्वयं भी एक बड़े पत्रकार रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने, हम सब पत्रकारों के लिए ये गौरव की बात है कि अटल जी एक पत्रकार होते हुए प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। वो कहते थे कि पहले पत्रकारिता मिशन थी, फिर प्रोफेशन हो गई और अब सेंसेशन हो गई है। तो ये समझना पड़ेगा हमारे नौजवानों को कि पत्रकारिता केवल एक सेलिब्रिटी बनने का रास्ता नहीं दिखाती, पत्रकारिता आपके साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी सिखाती है। और आज देश के सुशिक्षित समर्पित नौजवानों की पत्रकारिता को बहुत आवश्यकता है। जी, पत्रकारिता को समृद्ध करें। और मैं जैसे हमेशा बोलता हूं कि मैंने जो भी पत्रकारिता अपने जीवन में की उसमें चार बातें मैंने सीखी और हमेशा मेरा प्रयास रहा कि उनका पालन करूं। एक सजगता, दूसरी निर्भयता, तीसरी सत्यान्वेषण और चौथी मानवीय संवेदना। पत्रकारिता इन चार बातों के बिना निरर्थक है, उसकी कोई ताकत नहीं है। और इसलिए हमारे नौजवानों को देश के प्रति, सोसाइटी के प्रति कुछ समर्पित भाव लेकर, बिना ये सोचे कि हमारा नफा नुकसान क्या होगा, एक कैरियर के रूप में, और अच्छे लोग पत्रकारिता में आएंगे तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता का चेहरा और सार्थक होगा और उसके द्वारा फिर मीडिया का चेहरा भी बदलेगा। और जब मीडिया का चेहरा बदलेगा तो आज भले ही लगता हो उसमें पैसा लगाने वाले लोगों को कि इसमें मुनाफा नहीं है, लेकिन जब चेहरा बदलेगा, समाज का विश्वास बढ़ेगा, मीडिया और पत्रकारिता की विश्वसनीयता बढ़ेगी, तो फिर वो आपको पे भी करेगा। जी, हम एकदम अंत तक आ पहुंचे। और एक विषय, छोटा सा विषय मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना लंबा करियर रहा है आपका पत्रकारिता में, तो सबसे बेस्ट मोमेंट आपका कौन सा है, अगर शेयर करेंगे तो? अखबार में तो वास्तव में हर रोज एक नई चुनौती होती है, और मैं तो दैनिक समाचार पत्रों में ही रहा, पांचजन्य जरूर साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसमें मैं संपादक रहा, लेकिन वो साप्ताहिक होते हुए भी हमें दैनिक की तरह ही वहां काम करना पड़ता था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई, पर खबरों के प्रति हमारा कैसा संवेदनशील नजरिया रहना चाहिए, ताकि हम उस खबर को समाज की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर सकें। खबर केवल सनसनी नहीं होती है। ऐसी एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, एक अच्छे प्रमुख समाचार पत्र में मैं हरियाणा में संपादक था, दैनिक भास्कर में, तो पानीपत में मैं था। पानीपत के पास के एक गांव में एक कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री आने वाले थे, और उस कार्यक्रम में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का लोकार्पण होना था।
और मुझे लगा कि सरकार जो बिल्डिंगें बनवाती है वो मुख्यमंत्री आ रहे होंगे और उसको समर्पित करेंगे। सारे पत्रकार वहां गए, उसकी पूरी रिपोर्टिंग हुई। जैसा कि एक ट्रेंड बन गया है कि मंत्री मुख्यमंत्री कोई आए हैं तो बस उनका भाषण, उनके फोटो, वही सब लोग छापते हैं मुख्य रूप से। तो हमारा रिपोर्टर मिल गया, उसने पूरी खबर बनाई। मैंने वो खबर मंगा के देखी कि भाई क्या लिखा है तुमने, तो पूरी खबर में उनका भाषण, फोटो वोटो, ये आए वो आए। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी खबर में कि एक वृद्ध महिला जिसका पति खत्म हो गया, जिसके कोई संतान नहीं है, उसने अपना घर खेत सब बेचकर ग्रामवासियों के लिए, आसपास के 50 गांवों के लिए वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनवाई और वो बिल्डिंग सरकार को समर्पित कर दी कि अब इसमें आप हॉस्पिटल चलाइए। तो पूरी खबर में केवल एक लाइन। मैंने रिपोर्टर को बुलाया, मैंने कि इतना बड़ा आयोजन था और इस आयोजन की जो मूल बात है उसको तुमने एक लाइन में निपटा दिया। खबर तो ये है, खबर मुख्यमंत्री का भाषण नहीं है। मैंने कि उसके बारे में और बताओ मुझे। बोले सर मुझे तो पता ही नहीं कुछ, बस वहां उतनी सी बात सुन ली मैंने। मैंने कि यही तो जर्नलिस्टिक अप्रोच है, अगर आपने सुन ली है तो आप उसके पीछे लगी है। एक महिला, इतना अनपढ़ महिला, गांव की महिला, इतना बड़ा त्याग उसने किया और हम सोसाइटी को ये बता भी नहीं सकते। इन्फॉर्मेटिव जर्नलिज्म क्या होता है, खबरें क्या होती हैं, समाज को प्रेरणा देने का सबसे। मैंने उसको दोबारा वहां भेजा, पूरी जानकारी लेके आया, उसका फोटो लाया, गांव के 10 लोगों की बातचीत उसके बारे में, उनके कमेंट्स लाया, वो अलग से बॉक्स बना के हमने छापे और पूरा आधा पेज उस महिला के ही बारे में हमने प्रमुखता से छापा और मुख्यमंत्री जी का भाषण, उनका फोटो, नीचे 3 कॉलम में एक छोटी खबर, हमने बड़ी खबर। और सारे अखबार हमारी उस खबर के कारण अगले दिन पिट गए, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री को ही छापा। दोबारा मेहनत कर, मुझे इतना संतोष हुआ कि हमने एक ऐसी गांव की अनपढ़ महिला, समाज के प्रति उसकी क्या कल्याणकारी भावना है, इसको हमें लोगों के सामने लाना चाहिए, लोग प्रेरित हों, दूसरे लोग भी अपने अपने तरीके से समाज के हित में काम करें। यही तो जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म केवल खबरें यहां से वहां पहुंचाना नहीं है। संविधान ने जिस लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात की, वो लोगों के हितों के लिए जीना सिखाना। पत्रकारिता केवल इन्फॉर्मेशन नहीं देती, पत्रकारिता लोक रुचि का परिष्कार भी करती है। आज समाचार पत्रों की स्थिति ये हो गई है, इतनी नकारात्मक खबरें रोज आती हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने समाचार पत्र लेना बंद कर दिया है। बोले अरे सवेरे सवेरे इतना भयावह रूप सामने आ जाता है सोसाइटी का कि मन डरने लगता है, हमने अखबार मंगाना ही बंद कर दिया। और इसलिए अब कुछ समाचार पत्रों में ऐसे जो संवेदनशील पाठक हैं उनको ध्यान में रखकर पॉजिटिव मंडे जैसे उपक्रम शुरू कर दिए हैं। उस दिन पॉजिटिव खबरें देंगे, पहले क्यों नहीं देते थे भाई। पत्रकारिता का अर्थ ही पॉजिटिविटी है। पत्रकारिता का अर्थ भारत में नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी यूरोपीय पत्रकारिता का कंसेप्ट है, सनसनी पैदा करना। पेपरेजी वहां अलग से एक पत्रकारों का गैंग चलता है, आपको याद होगा डायना की मौत हो गई पेपरेजी से बचने के चक्कर में। भारत की पत्रकारिता लोक रुचि का परिष्कार करती है, समाज के प्रेरणा बिंदु लोगों के सामने लाए। ये इस प्रकार की संवेदनशीलता एक संपादक के नाते, एक पत्रकार के नाते हमारे मन में हो। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, पर यह प्रसंग मुझे बहुत आनंद देता है कि एक छोटी सी लाइन को पकड़कर हमने एक बड़ी खबर, और जिसके लिए पूरे हरियाणा में उस महिला को लोग जान सके, नहीं तो वो तो गुम हो गई थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस जर्नलिज्म के विषय में बहुत सारे तथ्य आपने दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार, धन्यवाद। और इतनी सारी बातचीत आपने करा ली, नहीं तो अपने को तो याद भी नहीं रहता। जी जरूर, ठीक है, नमस्कार नमस्कार। संवाद
মাধ্যম বা সংবাদ পরিবেশন ঠিক কিরকম হওয়া উচিত? গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয় এই সংবাদ মাধ্যমকে। সংবাদ মাধ্যম হওয়া উচিত নিরপেক্ষ, যা সমাজের হিতের জন্য হয়, কল্যাণ সাধনকারী হয়, এমনটাই হওয়া উচিত সংবাদ মাধ্যম। আপাতত এই পর্যন্তই, দেখতে থাকুন রাইজেস নিউজ।